हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज मैं आपके साथ 10 इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूँ जो मैंने नोटिस किए, जिसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल वर्ल्ड पे मैं सोच रहा हूँ कि उनका ज़्यादा हो सकता है या फिर इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए एक इंसाइट करके यूज़ कर सकता है आप इसको। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि अमेरिका की जो फेडरल बैंक है, उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, जो दुनिया में मंदी आई थी, आर्थिक मंदी, तो उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए थे, जिसकी वजह से इंटरेस्ट के रेट बढ़ने की वजह से यील्ड बढ़ गया था और सारा इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में चला जाता था। तो अभी उन्होंने डिसाइड किया है या फिर ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि वो इंटरेस्ट रेट की जो प्रोसेस है उसको कम करने वाले या फिर रुकाने की तरफ उनका रुझान है, जिसकी वजह से अमेरिका के या फिर यूरोप के जो मार्केट्स थे उन्होंने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया। और आज का अगर आप मूवमेंट देखते हैं तो शायद उसी वजह से वो पॉजिटिवली क्लोज हो रहे हैं। मोस्टली ओपन भी पॉजिटिवली हुए और होपफुली पॉजिटिवली क्लोज होंगे। तो उसका सेम इम्पैक्ट इंडिया के निफ्टी पे भी हमने थोड़ा बहुत फील किया था, अपार्ट फ्रॉम हमारा जो निफ्टी था बहुत टाइम तक लो में चल रहा था। ओके, दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि US और चाइना की वॉशिंगटन में मीट चल रही है। एक्चुअली ये एक ट्रेड वॉर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। अगर ये पॉजिटिवली एग्जीक्यूट होता है तो फिर ये पूरे इकोनॉमी पे बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। जो ट्रेड वॉर चल रहा है US और चाइना का, वो एक बहुत बड़ी वजह है दुनिया भर के मार्केट गिरने में या फिर उन पर दबाव आने पे। तीसरी जो न्यूज़ मैंने नोटिस की या फिर अपडेट जो है फाइनेंस रिलेटेड, वो ये है कि पूरे दुनिया भर के जो बैंक्स हैं, रिजर्व बैंक्स वगैरह हैं, तो उनका जो गोल्ड का पोर्टफोलियो है वो अब तक का 2018 का हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है। लगभग जो 1000 टन या फिर 2000 टन ऐसा बड़ा जो एसेट होता है गोल्ड का बड़े बड़े कंट्रीज के पास रिजर्व करके, तो वो उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया या फिर 2018 में बढ़ा दिया और 2019 में भी बढ़ाने की उनकी प्लानिंग है। तो सेम इफेक्ट हम जो गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है उसके ऊपर देख सकते हैं कि गोल्ड ने 33,000 का जो 33,000 का लेवल है वो भी ब्रेक कर दिया और उसके आगे बढ़ रहा है। तो एक्चुअली ये एक तरीके का डर भी है सिस्टम में कि जब भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इसका मतलब शेयर्स पे या फिर बॉन्ड पे लोगों का भरोसा थोड़ा कम हो जाता है बाकी एसेट पे, तो ये एक फियर का इंडिकेटर भी ट्रीट किया जाता है। उसके बाद में चंदा कोचर और ICICI बैंक का शेयर बहुत न्यूज़ में और डिस्कशन में था। एक्चुअली ICICI बैंक ने इतने थोड़ा सा ड्रॉप प्रॉफिट में नोट किया, मगर उनके NPA में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होने से और ओवरऑल जो ब्रोकर्स के रिकमेंडेशन थे वो कंसिडर करते हुए उसका शेयर बहुत ज़्यादा दौड़ा था। मगर बाद में चंदा कोचर को उनकी जो उन्होंने समिति स्थापित की थी इंटरनल, एक न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के, तो उन्होंने उनको गिल्टी करार किया, तो जिसके अंडर उसको चंदा कोचर को बहुत सारी चीज़ों में गलत पाया गया है कि उनके हस्बैंड को लोन देने में उन्होंने बेनिफिट दिया था और वो समिति के मेंबर थी वगैरह वगैरह, बहुत सारे डिटेल्स है उसमें। तो फिर अभी उनको जो भी बेनिफिट उन देने वाले थे उनको वो टर्मिनेट कर रहे हैं और उनको लीव पे भेजने के बजाय उनका जो वर्किंग है वो फिनिश कर रहे हैं ICICI से कनेक्शन, और उनको जो भी बेनिफिट ESOPs वगैरह मिलने वाले थे तो वो कैंसिल करने का ICICI प्लान कर रहा है। तो अभी तो ये प्रोसेस में है, उनका जो क्रॉस कमेंट है या फिर क्रॉस एप्लीकेशन है चंदा कोचर की तरफ से उसके डिटेल्स तो अभी तक आए नहीं है, तो एक थोड़ा सा निगेटिव डेवलपमेंट है वो डायरेक्शन में। बाद में DHFL का बहुत बड़ा स्कैम या फिर स्कैम कह सकते हैं या फिर अफरा तफरी कॉन्निवेंस जिसे कहा जाता है, मिली भगत टाइप, तो वो एक उजागर हुआ। तो अगर आपको इसके डिटेल जानना है तो कोबरा पोस्ट ने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला है, उसमें उन्होंने बहुत सारे डिटेल्स दिए जो कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किए थे। कोबरा पोस्ट एक न्यूज़ ग्रुप टाइप है, तो फिर उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम्स पाए वो उन्होंने दिए, जैसे कि DHFL ने उनके ही प्रमोटर के थ्रू बहुत सारे कंपनीज बनाए थे, उनके ईमेल आईडीज भी छोटे मोटे कॉमन ही थे, बाद में से उनको लोन दिए गए, वो लोन लेने के बाद भी कंपनीज ने प्रॉफिट में नहीं आई, फिर भी उनको बाद में रोल ओवर करते रहे लोन्स, बाद में वो लोन पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिए गए, खास करके गुजरात में जब इलेक्शंस थे तब ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हुई। तो ऐसे बहुत सारे DHFL रिलेटेड इश्यूज उजागर हुए। DHFL का कहना है कि उनको ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दिया कोबरा पोस्ट ने, तो MCA भी इसका इंक्वायरी करने का प्लान कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट DHFL में भी हो रहे हैं जिसके वजह से शेयर 10-15% अभी नीचे की तरफ मूव हो रहा है।
उसके बाद एयरटेल से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। एयरटेल के नतीजे तो जियो के एग्रेशन के वजह से वीक आने के एक्सपेक्टेशन है ही, वो चक्कर में उसका शेयर भी अभी गिरा जा रहा है, जो कि लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं शायद इसके नतीजे और भी ख़राब आ सकते हैं जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे। तो उसके बीच एक पॉजिटिव खबर एयरटेल के लिए ये आई है कि उनका जो अफ्रीका में बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें रिसेंटली वो IPO भी लाने वाले थे, तो उसके अंदर का जो पार्ट है, इक्विटी है, वो कतार का एक बड़ा सा फंड है जो वेल्थ फंड, वो खरीदने के लिए तैयार हुआ है, जिसके वजह से एयरटेल का अफ्रीका का जो डेब्ट है जो लगभग 3-4 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया। एक्चुअली मैंने इस पर पहले वीडियो बनाया एयरटेल के लोन पे, तो वो उसमें उसको हेल्प हो सकता है, वो एक पॉजिटिव थिंग एयरटेल के लिए, ओवरऑल बिजनेस के लिए। बाद में बजट से रिलेटेड एक फियर ओवरऑल मार्केट में हो रहा है कि अभी का जो बजट होगा वो बहुत लोक लुभावन वाला होगा, जिसमें बहुत सारे मिनिमम बेसिक इनकम स्कीम का अनाउंसमेंट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हो सकती है जिसमें फिस्कल डेफिसिट पे बहुत जोर पड़ सकता है। तो शायद ये ओवरऑल मार्केट के लिए, शेयर मार्केट के लिए, बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए एक निगेटिव हो सकता है। उसके बाद इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर कंटिन्यू अप एंड डाउन मूवमेंट में रह सकते हैं। वो उसके रिजल्ट्स तो अच्छा है मगर उन्होंने फ्यूचर के जो एक्सपेक्टेशन दिए है उसके बेसिस पे थोड़ा पॉजिटिविटी था, अदरवाइज इंडिया बुल्स के नतीजे इतने तो पॉजिटिव नहीं लगे मुझे। उसके बाद एक्सिस बैंक की रिजल्ट और उनका मोर देन एक्सपेक्टेड था, बहुत अच्छा नतीजा उन्होंने दिया और फ्यूचर के लिए भी अच्छा खासा प्रेडिक्शन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। HCL टेक्नोलॉजीज में भी अच्छा खासा उठावा है, उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे खासे है क्वार्टरली। उसके बाद एक न्यूज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो गवर्नमेंट ने बहुत टाइम तक होल्ड करके रखा था, मोस्टली 1-2 साल से तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ ही नहीं रहा है, उससे बहुत सारे कन्फ्यूजन खड़े हो रहे हैं एनालिसिस में। तो रिसेंटली जो NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके दो लोगों ने जब रिज़ाइन दिया वगैरह किया तो कैसे तो करके फाइनली थोड़ा सा डेटा आ गया डेटा का, जॉब का, जिसके अंदर पिछले 40-50 साल का अब तक का हाइएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्ड हुआ है। जो कि एक ये दो चीज़ें मैं मेंशन करना चाहता हूँ, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बढ़ोतरी, दूसरा गोल्ड का जो अक्यूमुलेशन है बड़े इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, RBI वगैरह, तो ये एक आर्थिक मंदी के निशानियों में से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आर्थिक मंदी आ रही है फिर ऐसा, तो उनकी निशानियों में से एक इसको कंसिडर किया जाता है, साइंस ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन एक्सेट्रा। बाद में एक लास्ट की न्यूज़ जो है या फिर अपडेट वो है, वो एप्पल सेल्स के बारे में। एप्पल एक बहुत बड़ा शेयर है अमेरिका के जो नैसडेक वगैरह इंडेक्स है, जैसे हमारा निफ्टी है वैसे, तो उसके सेल्स जो है रिसेंटली एशिया के सेल्स है उसमें ड्रॉप उन्होंने नोटिस किया है। चाइना की बहुत सारे कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया के भी टॉप मोबाइल सेलर्स को टॉपल किया था, तो वैसे ही उन्होंने भी एप्पल को टक्कर देने शुरू किए, जैसे शायोमी वगैरह वो सब है, तो वो एक चिंता का विषय। तो ये सब टॉप 10 चीज़ें मैंने आपके लिए निकाली थी, मेरे ओपिनियन मैंने उसके ऊपर दिए। So you can comment if you want to. If you like, you can click on like. Please, thank you for listening. Share market friend.